कोलकाता में हमारा दूसरा साहित्य का मंच और इज बैक यस थैंक यू सो मच आज से कल तक जो है आज तक चलते रहे और uh, पहले मैं ये कहूंगा कि आप लोग हर साल जो ये बंगाल में आप करते हैं इट इज वेरी गुड एंड और यहाँ के यहाँ में यहाँ पे जैसे अभिजीत दा है मेरे पास शत्रु जी है तो बहुत सारी आपको आवाजें भी सुनाई देगी और खामोशी भी सुनाई देगी जो सत्य जी आ रहे हैं <laughs> तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग गौरव के आपने नमस्कार क्योंकि अभिजीत जब बोल रहे थे तो आपके पास माइक नहीं था तो जो मैं अमाइक हूँ दादा अमाइक नहीं है <laughs> दादा बोल बोलते हैं खूब बोलते हैं मैं तो अमाइक हूँ मैं चुपचाप बैठा था माइक भी नहीं था मैं उनको सिर्फ गाना गाने के लिए बोल रहा था लेकिन जो बात बोल कर गए वहीं से मैं शुरू करूंगी करिए मैं पूछिए आप सवाल पूछिए मैं जवाब दूंगा मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अभिजीत दा मेरे बहुत करीब के मित्र हैं और बहुत बड़े मेरे दादा है अभी घर पे मैंने फिश विश का इंतजाम करके आया था कि बाई चांस अगर मैं इनको यहाँ से पकड़ के लेके जाऊ शत्रु जी भी बोल रहे थे तो मैं उनको भी फ्री आप फ्री हाँ हो चलिए बिल्कुल चलिए <laughs> लेकिन आ, बिल्कुल चलिए फिश एकदम कलकत्ता का खिलाता हूँ उस समय का मुझे याद है मेरी आपसे बातचीत भी होती थी और आपने बताया भी था वो रीजन हालांकि कहते हैं पॉलिटिक्स में इतना इमोशन चलता नहीं है पर बाबुल सुप्रियो ने इमोशन को अपनी पॉलिटिक्स पे हावी होने दिया था मैं इमोशनल आदमी हूँ और मैं इमोशन से ही काम करता हूँ जैसे दादा बोल रहे थे मुझे लगता है कि अभिजीत ने इतने गाने गाए हैं इतने अपने समय में म्यूजिक डायरेक्टर्स अपने सिंगर्स के लिए लॉयल होते थे अगर आप अच्छा गाना गाए तो अगले पिक्चर में भी आपका गाना कंफर्म होता था उसके बाद वाले पिक्चर में भी उनका गाना कंफर्म होता था शानूदा दा के साथ अभिजीत दा के साथ उदित नारायण जी के साथ ये चीज़ हुआ है अलका जी के साथ हुआ है हमारे साथ नहीं हुआ है हमारे साथ नहीं हुआ है हम तुम के बाद मैंने इतने खूबसूरत सब गाने गाए लेकिन उस वक्त हिमेशमिया जी की एंट्री हो गई बहुत खूबसूरत गाते थे वो झलक दिखला जा लोग वो झलक देखने लगे चालीस पचास करोड़ लाख रुपया उनका ये हो गया तो मुझे जिंदगी का हर पांच साल जीना है मुझे कोई कंप्लेन नहीं करना है मैं अगर सत्तर साल जीऊ तो सत्तर साल को मैं चौदह हिस्से में बांट लूंगा पांच पांच साल करके और मेरा जो जैसे है लास्ट जो दस साल है फाइव इंटू टू उसमें मैं दुनिया का बेस्ट ग्रैंडफादर बनना चाहता हूँ मेरी दो बेटियां हैं तो मैं बेस्ट ग्रैंडफादर बनना चाहता हूँ तो जिंदगी का हर पांच साल को मैं इंतजार कर यहां मैं हाँ तो यहाँ पे जो सिंगर सभी गा रहे हैं भले वो अच्छे सिंगर हो बुरे सिंगर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है वो इंसान सोचता था कि आसमान में प्लेन जा रहा है पंछी सॉरी आसमान में पंछी उड़ रहे हैं कितनी आराम की बात है फिर इंसान ने सोचा कि हमको भी उड़ना है अभी उन्होंने प्लेन बना लिया प्लेन के धक्के से पंछी मर जाते हैं तो मेलेडाइन ऑटोट्यून ये सब सॉफ्टवेयर आ गए हैं उसके जरिए लोग गाने गा रहे हैं जो जिसको सुन के मेरी बेटियां नाचती है तो मैं कौन होता उनको पूरा करने वाले मैं आपको सबसे सिर्थ... वो बुरा नहीं है नहीं जो समय में जो जिस समय में जिनको जो चाहिए अभी आप यहाँ पे हमारे रोमांटिक गाने चला दीजिए सब खाना खाने चले जाएंगे पूछिए इनको और अभी उसी की जगह में मीका सिंह का पांच डांस का गाना चला दीजिए थोड़ा सा डांस करके भूख बना के फिर ज्यादा खाना के लिए जाएंगे नहीं, ये हकीकत है तो मेरा कोई नहीं मैं मैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ नॉट नॉट टू पर्सनली टू यू आप डाइट पे है मुझे ये से देख रहा है हाँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस समय में जिस डिकेट में जिस डिकेट में जिस चीज का जिस चीज जो चीज़ चल रहा है उसको आप जो है ओपनली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे तो लोग आपको फ्रस्ट्रेटेड ही समझेंगे कोई ज़रूरत नहीं है आप सुनिए ना अभी मेरे मोबाइल में हनी सिंह का भी गाना है मेरे मोबाइल में बादशाह का भी गाना है मेरे मोबाइल में हसन जहांगीर का भी गाना है हवा हवा कितना सुपर हिट हुआ था हमें मालूम है वो बेसुरा सिंगर है लेकिन आज के तारीख में रहेंगे तो उस वक्त हवा हवा सुन के कान में जितनी तकलीफ होती थी आज नहीं होगा क्योंकि उनको बिल्कुल सुर में डाल के वो गाना लोगों के सामने पेश किया जाएगा ठीक है टेक्नोलॉजी अभी ह्यूमन इंटेलिजेंस के आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो उसे एक्सेप्ट करिए और अपना पांच साल से रिचर्ड ब्रांसन ने एक बहुत अच्छी बात कही है यू हैव टू फाइंड न्यू वेज टू सक्सेस ठीक है तो उसके लिए आप आपको अपना एसेंस अपना इमोशन को सब दरकिनार करके फेंकना नहीं है मैं उठपटन गाने नहीं गाऊंगा मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही गाऊंगा लेकिन जो उठपटन गाने गा रहे हैं और जो हिट हो रहे है, उसको मैं बिना बात के क्रिटिसाइज नहीं करूंगा ये मेरा लुकआउट है अब अच्छा लगेगा आपको तो बहुत अच्छी बात है नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं है

मैं इश्क उसका वो है मेरी वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी 152 मिलियन का कुछ हिट्स है लेकिन उसके बाद से ही वो हिमेशमिया के अपने गाने हिट होने लगे अब वो उनका लक है वो गाने लगे फिर हीरो भी बन गए बहुत अच्छी बात है हुए माई टू क्रिटिसाइज आई विल नॉट हाँ जी गए वो कह रहे हैं दादा वही तो मैं बोला पांच साल के हिस्से में आप बांट लीजिए ना जिंदगी को पांच साल में आप सक्सेसफुल रहेंगे फिर पांच साल आपका बुरा भी जा सकता है आप सीढ़ी से चढ़ते वक्त लोगों को सलाम करते जाइए जब पांच साल आपका बुरा जाएगा तब भी लोही लोग आपको सलाम करेंगे मैं मैं इमोशनल आदमी हूं और मैं वैसे ही रहना चाहता हूं मुझे नाच चिल्लम चिल्ली करना है और आप जहां से क्वेश्चन करना चाहते हैं मुझे मालूम है वो आने ही वाला है बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई एम आ इमोशनल पर्सन और मैं अपनी इमोशंस को बहुत प्यार करता हूं आई एम इन लव विद माई सेल्फ आई थिंक दैट इफ आई कैन लव माई सेल्फ आई कैन लव अदर्स इफ आई एम इरीटेटेड विद माई सेल्फ एम नॉट हैप्पी विथ वाट आई एम डूइंग मैं जो कर रहा हूँ उसे अगर मैं खुश नहीं रहूंगा तो बाकी लोगों को भी मैं खुशी नहीं दे सकता हूँ तो uh, बस सिंपल सी बात है म्यूजिक मेरा पैशन है पॉलिटिक्स मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं ऐसे देखता हूँ ऑलरेडी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं कुछ लोग मेरे से गाने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दादा ये गाना गाइए वो गाना गाइए कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है जो बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी से है वो जो मुझे बोल सकते हैं कि हमारा सड़क बहुत खराब है हमारे वहाँ पे कैंसर के पेशेंट है उसके लिए आप एक लेटर बना के दीजिए इनके लिए इस सड़क हमको जल्दी से बना दीजिए तो ये एक तरफ से गाने का रिक्वेस्ट आता है एक तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिक्वेस्ट आता है मेरे लिए दोनों सेम है दोनों सेम है अगर मैं ये पॉलिटिक्स के शो में आया होता तो मैं प्रीपेड कार्ड हूँ प्रीपेड कार्ड हूँ ये पहले मुझे वोट देकर जिता देते हैं उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अच्छा काम करता हूँ अगर ये म्यूजिकल प्रोग्राम होता तो ये भी पहले से आए हुए होते ये सोच के कि अभी मैं जो है उनको अच्छे गाने सुना के कुछ करूंगा तो बोथ ऑफ तो सेम आप ज्यादा दिमाग में उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उसके लिए वो अगर पॉलिटिक्स ले हुए आएंगे तो भी सोच के बैठ सकते हैं कि ये मुझे अच्छे गाने सुनाएंगे हाँ बिल्कुल मैं तो बाई वन गेट वन फ्री हूँ जो लोग मुझे गाने के लिए आप अगर मुझे गाने के लिए बुलाते तो यहाँ पे एक लैम्प होता आप उस वो मुझसे जलवा देते क्योंकि मिनिस्टर की शायद जरूरत पड़ती है लैम्प जलाने के लिए बचपन से देखते आया हूँ तो लैंप भी मेरे से जलवा लेते फिर मैं गाना भी गाता और जो मुझे लैम्प जलाने के लिए बुलाते हैं वो बोलते एक दो गाने भी सुना दीजिए तो बाई वन गेट वन फ्री हूँ अब मैं बड़ा तेल की शीशी के साथ छोटा साबुन हूं या बड़ा साबुन के साथ छोटा तेल की शीशी हूँ ये मुझे मालूम नहीं अच्छा बहुत लोग बहुत भड़क भी जाते हैं अगर कहा जाता है कि गाना सुना दो पर आपको अपना जो एक कलाकार का किरदार है वो आपको चुपती नहीं है बात मैं देखती हूँ कि जनरली आप नहीं नहीं मैं कहीं पे भी गाता हूँ मैं 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 अपनी गाड़ी में ब्लू लाइट जलाना अभी तो विधानसभा में भी मैंने विधानसभा में भी मुझे स्पीकर साहब काफी अभी तीन चार दिन पहले मुझे कुछ तो लोग कहते हैं लोगों का काम है कहना गाने के लिए कहा स्पीकर साहब ने मैं बिल्कुल गाया मोदी जी भी मुझे तीस जनवरी को गांधी इसमें उन्हें गांधी स्मृति में রাজঘাট মে উনি গানা গাওয়া প্রণব দা বহ খুশ হুয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কায় মোড় সকোল ভালোবাসা গানা গা বহ সকল ভালোবাসা প্রভু তোমার পানে পাট দু হাজার সতেরো সারে সিক্সটিন দু হাজার সতরা সে उनके मूड में थोड़ा फ़र्क आ गया तब उनको लगा कि मैं कोई प्रोग्राम में गाना गाऊं तो शायद वेट कम हो रहा है या लग रहा है कि मैं सीरियस नहीं हूं। जो मुझे खलती थी अभी यहाँ पे मैं किसी को नहीं कहूंगा कि मुझे रिक्वेस्ट करो भाई गाना जो है मेरा पैशन है पॉलिटिक्स मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर मैं बात कर रहा हूं उसमें अगर कोई गाना मेरे जहन में आ रहा है मैं आपको ऐसे ही गाने के लिए सुनाऊंगा आप यहाँ पे आए हैं आप आप मुझे क्यों रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये गाना गाइए मैं खुद ही आपको गा के सुनाऊंगा इसके लिए आप चाहे तो ताली बजा सकते हैं एक अच्छा लगेगा फ्रेम में कि हाँ बाबुल सुप्रियो बोल रहे तो ताली भी बज रहा है तो ये ये लेके चलता हूं मैं आपने कहा कि मैं जो भी करता हूँ इसलिए कि मतलब मैं खुश रहूँ पैशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो अभी खुश हैं आप आजकल मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ अपने अपने काम से खुश हूँ जो जगह में देखिए आप जो मुझे पूछ रहे थे कि मैं बीजेपी क्यों छोड़ा ये तो सवाल है जो दादा ने बोला आई लेफ्ट बिकॉज प्रधानमंत्री बहुत अनकाइंड है बहुत निष्ठुर है अब एक बंगाली को अगर उन्होंने बीच में रोक दिया मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात उन्होंने कल की है कि उनके उनकी बात उन्होंने किया है वो भूल गए कि जब कोई कॉलिशन नहीं बीजेपी क्वालिशन में नहीं लड़े थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास बाबुल सुप्रियो ही वो आदमी है जो बंगाल की धरती से 2014 में उनको सीट जीत के दिया था और उसके बाद एक बार नहीं 2019 में दोबारा जीत के दिया था कोई काला दाग मेरे ऊपर नहीं है कोई चोरी का इल्जाम नहीं है कोई किसी भी तरीके का मेरा ऑपोजिशन भी कोई घोटाले की बात नहीं करता है तो किस वजह से इतने साल से एमओएस थाम है और उसके बाद ईस्ट वेस्ट मेट्रो से लेके आजनसोल में दूसरी बार मैं अगर दो लाख वोट से जीता हूँ यहां से इस धरती से दो लाख वोट से जीता हूँ तो अब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी ने भी मुझे बहुत बहुत ज्यादा पॉइंट दिया है साथों के साथ विधानसभा तो मैंने जीता है नौ के नौ जीता मेरे वजह से दुर्गापुर में भी रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ उस दो इसकी वजह से तो मुझे एमओए अगर आपने ये दस साल में आपको एक बंगाली नहीं मिला जो कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं आपको सिर्फ चमचागिरी करना है और जब भी आपको चाहे रूम में घुसाए जब भी चाहे आपको रूम से निकाल दे और हम मान ले क्या हमारा स्वाभिमान जो है वो मेरे मैं निर्मल चंद्र बराल का पोता हूं बराल फैमिली का लड़का हूं मेरा स्वाभिमान सबसे पहले है अगर मैं गलती करूं आप मुझे उंगली पकड़ के सिखाइए लेकिन अगर आप बिना बात के मेरे ऊपर छुड़ी चला देंगे आप होंगे अपनी जिंदगी में शहशाह मैं भी अपनी जिंदगी का राजा हूं मैं किसी का नहीं सुनता हूं मैं ना चमचागिरी करता हूं और ना मैंने ये भी एक भी साफ कर लीजिए मैं बीजेपी छोड़ के तृणमूल में नहीं गया मैं बीजेपी छोड़ा और मैंने पॉलिटिक्स छोड़ा मैंने पहले दिन जिस दिन मुझे निकाला गया था उसी दिन रात को मैं स्पीकर साहब को मेरा इस्तीफा दे रहा था और मैंने एमपी पद छोड़ के दिखाया एमपी पद जो आसनसोल से मैंने बीजेपी के लिए जीत के दिखाया वो मैंने छोड़ के दिखाया छोड़ा कि नहीं छोड़ा पावर के लिए उसको पकड़ के नहीं रखा और जिस दिन मैं छोड़ा मैं दो लाख से जीता था शत्रु जी जो इसके बाद आएंगे वो तीन लाख से जीते मतलब पांच लाख का शिफ्ट हुआ इतना ही प्यार था उनको बाबुल से मैं जो काम करता था मेरे पास कोई काउंसिलर नहीं थे मेरा कोई बहुत बड़ा वो नहीं था लेकिन लोगों को लेकर मैंने काम किया है प्यार मिला है और मैंने बीजेपी छोड़ के तृणमूल में नहीं आया ये गलत फहमी है मैं बीजेपी छोड़ के एक लेटर भी नहीं लिखा जो लोग लेटर लिखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरा बंगलो में मुझे और थोड़ा एक महीना रहने दीजिए मेरी मम्मी की डेथ हुई थी मैं इमोशनली एकदम डिस्ट्रॉयड था मैं भाग गया था ऋषिकेश में एक महीना रहने के लिए उस वक्त अगर कोई मेरे पे इस तरीके का वॉर चला सकता है छुरी चला सकता है मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा जिस मोहन बगान के लिए के अगर मैं खेला ईस्ट बंगाल मेरी ओपोनेंट है अगर मैं पांच गोल दिया आज अगर ईस्ट बंगाल के लिए खेल रहा हूं मुझे बाकी टीम के साथ मिलकर मोहन बगान को दस गोल देना है यही मेरा जिंदगी का वो है मेरा क्लियर कट है मैं कोई हिपोक्रेसी नहीं करता हूं और सीधा बात मैं ये बोल रहा हूं डेरिक ओब्रायन मेरे घर पे आए थे और मैं इस चीज को रेस्पेक्ट करता हूं दाद देता हूं कि जब मैं रिटायर्ड हर्ट हो रहा था मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा ये कह चुका हूं आप तो मेरे दोस्त हैं आपके साथ पर्सनली भी मेरी बात हुई थी तो आ, उन्होंने मुझे कहा कि देखो एक बंगाली के साथ अन्याय हुआ है ये दीदी को भी ऐसा लगता है और आ, उन्होंने कहा कि तुम पॉलिटिक्स मत छोड़ो क्योंकि तुम अपने जिंदगी का पांच साल आठ साल तुमने इसमें बिताया बहुत कुछ तुमने सीखा है और काम भी अच्छा किया ईस्ट वेस्ट मेट्रो में प्रधानमंत्री जी के रूम में चल के गया विदाउट अपॉइंटमेंट नृपेन्द्र मिश्रा जी को मालूम है और मैंने बोला कि ये प्रोजेक्ट सात साल से बंद हुआ है मेरे मौसी, मेरे मौसी बुआ जी के घर के सामने से वो बने हुए पड़े हुए सात साल से उनको खिड़की से कुछ दिखाई नहीं देती है बना के दिया ना तीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तीन लॉ जो है वो पार्लियामेंट में चेंज करवाया और क्या भागमदोड़ी नहीं किया था वो मनोहर परिकर जी थे उसके बाद सुरेश प्रभु जी थे फिर उसके बाद देव सदानंद गौड़ा थे सबके साथ मिला के वो इस मेट्रो और उसके लिए मैंने जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसली वोट जीता है दीदी के साथ रास्ते में जितने भी हम पॉलिटिकल लड़ाई किया लेकिन झालमुड़ी खाया ना उनके साथ मेरे अपने पार्टी में लोगों ने मुझे गाली दिया लेकिन जिस जो लोगों ने मुझे वोट देकर जिताया है उनके साथ मैं चोरी नहीं कर सकता उनके साथ मैं हिपोक्रेसी नहीं कर सकता हूं मुझे जो काम करना है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली दूसरे पोजिशन में जो बैठा है उनको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा और उनके साथ बैठ के मैंने ये दत्तावाद वगैरह का उसका सब कुछ क्लियर करवाया और आज वो मेट्रो चल रहा है हावड़ा से सॉल्ट लेक सिटी सॉल्ट लेक सेक्टर फाइव मुझे उस वक्त कहाँ मालूम था कि सेक्टर फाइव में ही मेरा घर होगा देखिए कोइंसिडेंस लाइफ आपको कैसे सरप्राइज करती है मैं हावड़ा में रहता हूँ गंगा किनारे बहुत अच्छे फ्लैट बहुत पहले खरीदा था तो वहाँ रहता हूँ और ये जो ईस्ट वेस्ट मेट्रो है वो हावड़ा मैदान से सेक्टर फाइव ही जाता है सेक्टर फाइव में मेरे दोनों ऑफिस है रिन्यूएबल एनर्जी और आई दोनों सेक्टर फाइव में है तो मुझे कहा मालूम था कि जो ये मेट्रो बना रहा हूँ वो मेरे एक घर से मेरे ऑफिस तक मुझे लेके जाएगी लेकिन उसके बाद अच्छा काम करने के बाद ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कोयला माफियाओं के साथ कैसे लड़ाई किया मैंने उसके बाद अगर आप मुझे सोचोगे कि इतनी बेरहमी से निकल सकते हो तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट लाइन डाउन मैंने नहीं लिया आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट दीदी एंड अभिषेक एंड डेरेक ओब्रायन दे सेट दैट बंगाली के साथ एक गलत हुआ है आपको आप बंगाल आइए मन खोल के आप गान गाए, गाना गाइए और आप जो है लोगों के लिए काम करिए कर रहे हैं करिए वो मैं कर रहा हूँ मेरे मिनिस्ट्री का काम भी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और गाना भी खूब गा रहा हूँ खूब गा रहा हूँ मुझे कोई पाबंदी नहीं है ना दीदी को कभी लगता है कि वो खुद आर्टिस्ट है कभी ऐसा लगता नहीं है कि आ, मेरा गाना गाने से या ऐसे मंच में दो गाना गाऊं तो मेरा आ, मंत्री पद जो है वो हल्की हो जाएगी या मेरा काम में कोई आ, क्या बोलते हैं कोई कोई काला दाग आ जाएगा कि सीरियस नहीं है ऐसा कोई नहीं है गाना बहुत सीरियस चीज़ है वो मिनिस्ट्री से भी ज़्यादा सीरियस है बहुत ज्यादा सीरियस गाना है सुर उत्तम ऐसा बोलते हैं तो अगर आप गाने को रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे सुर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएंगे तो आप जिंदगी में रेस्पॉन्सिबिल हो ही नहीं सकते क्योंकि हमने इस सेशन का नाम भी पॉलिटिक्स और संगीत दोनों से जोड़ा था सियासत और संगीत से इसलिए मैं एक दो पॉलिटिकल सवाल आपसे लेते हुए और उसके बाद संगीत की ओर हम आगे बढ़ेंगे बिल्कुल पूछिए पहले तो मैं आपसे संदेश खाली के बारे में पूछना चाहती हूँ जो कि अभी पूरा देश देख रहा है और मुझे लगता है कि ये तालियां भी दरअसल कोई इंजॉयमेंट के लिए किसी ने नहीं बजाया है बल्कि शायद इस सवाल के समर्थन के लिए बजाया है क्योंकि मैं वहां गई शुरू में आप लोगों ने इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है लेकिन अब मैं देख रही हूँ की गैंगरेप के चार्जेस एड किए गए हैं लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है क्या बंगाल सरकार प्रतिबद्ध है कि संदेश खाली की औरतों को इंसाफ मिलेगा देखिए दो लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं एक उसमें से शाहजहान जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं अगर उन जिन दोनों लोगों के बीच के आ, बारे में आ, ये सारे बहुत शर्मनाक है हमें ऐसा कोई हो नहीं सकता है मेरी भी दो बेटियां हैं किसी भी तरीके का ऐसा इल्ज़ाम जो है मेरे लिए भी यहाँ पे बैठ के डिफेंड करना जो है कभी करूँगा ही नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूँगा मैं ये कहूँगा कि आ, आप थोड़ा सा जो है हर चीज़ में पॉलिटाइज पॉलिटिसाइज़ करना पॉलिटिस तो होता ही है अब क्या करें इंडिया में ऐसा ही चलता है लेकिन वहाँ पे कुछ कुछ साजिश हो जो भी हो वो सब ठीक है वो देखा जाएगा लेकिन ये इसमें जो लोगों का नाम आ रहा है उनमें से तीन में से दो को गिरफ्तार किया गया है और कल अगर आप डीजीपी जो हमारे राजीव कुमार जी है उनका अगर आप बयान देखेंगे कि इस वजह से शाहजहान को वो ढूंढ नहीं पाए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है वो भी आपने देखा है आज इन जो जो आ, जो है उनको कोर्ट में जिनके खिलाफ वो है अक्यूज जो है उनको कोर्ट में दाखिल किया गया है अब जो है वो सबजुडिस हो गया है लेकिन ये ये घटना बंगाल में हो ये घटना हाथरस में हो ये कहीं पे भी, भी हो दूसरे जगह में कोई दूसरे राज्य में ये घटना घटी है इसलिए उसके लिए वहाँ पे घटी है तो फिर आप वो वाला देखो आप बंगाल का मत देखो ऐसा किसी भी चीज़ का पॉलिटिशन से नहीं होना चाहिए ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात मेरी हो सकती है लेकिन एज अ पर्सन मैं ये समझता हूँ कि हम सबके लिए शर्मनाक चीज़ है और जो अक्यूज है अगर उनके खिलाफ जो आ, जो जो इल्ज़ाम दिया गया है अगर वो सच साबित हो और उसे अगर सच निकाल वो अगर सच निकले जाए तो पार्टी तरफ की तरफ से और लॉ की तरफ से जरूर बहुत कठिन पदक्षेप लिया जाएगा और मैं अगर ये सवाल बिल्कुल पॉलिटिक्स के जरिए मैंने नहीं दिया मेरी दो बेटियां हैं और उस हिसाब से एक इंसान होने के नाते इसका मैं जवाब दिया और अगर इसके लिए कोई आ, क्या बोलते हैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात भी हो तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरी चीज बंगाल पूरे देश की पॉलिटिक्स में आ, कम से कम आ, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने दिखते हैं तो डिफरेंट दिखता है इस हिसाब से कि एक अलायंस जो बाकी राज्यों में बन रहा था यहां पर दीदी ने कहा कि सारी सीटें हम जीतकर निकाल सकते हैं सच है अधिक चौधरी जी भी जो जीते हैं देखिए उसी तो मैं बोल रहा हूं कि जो आठ साल मैंने पॉलिटिक्स में बिताया है मैं इस चीज का मुझे रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा कि अगर मैं खेल छोड़ के मैदान छोड़ के जा रहा हूं रिटायर्ड हर्ट होके इमोशनल आदमियों आपको पहले ही बताया अगर रिटायर्ड हर्ट होके जा रहा हूँ तो उस वक्त जिन लोगों के खिलाफ मैं ऐसे गाने एक बनाया कि जो गाना मेरे लिए सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ हो गया कहीं पे भी मैं कुछ करने जाता हूँ कोई गाना भी पोस्ट करता हूँ मैं सोशल मीडिया में उतना हूँ नहीं तो लोग बोल रहे दादा वो वाला गाना जरा गा के सुनाइए क्योंकि एक बहुत हिट गाना मैंने गाया था जब मैं बीजेपी में था सबको मालूम है <laughs> बहुत सुपर हिट गाना था अब वो मेरे को वो मेरे को हॉन्ट करती है घूम के आती है बट दैट्स वॉट लाइफ इज बट उसका मतलब ये थोड़ी है कि कहीं में मुझे जिस टेबल पे आपको खाने के साथ रेस्पेक्ट नहीं सर्व किया जा रहा है जिस टेबल पे खाने के साथ आपको इज्जत और रेस्पेक्ट नहीं सर्व किया जा रहा है उस टेबल को छोड़ के जाइए आपको रास्ते में कूड़ा भी मिले उसे खा के खुश रहिए सिंपल सी बात है अगर मैंने बीजेपी छोड़ी है तो यही कारण है सिंपल सी बात यहाँ पे ताली बजे ना बजे मुझे मैं सिर्फ में बता रहा हूं अगर आपको अच्छी अच्छी बात कोई लगे तो ताली बजाइए नहीं लगे तो सोशल uh, मीडिया में जाके लिखिए मैं सोशल मीडिया में नहीं हूं उस पता नहीं चलेगा आप लोग क्या लिख रहे हैं मुझे कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सेल्फ माई वाइफ थिंग्स आई एम द बेस्ट हस्बैंड बोथ माई डॉटर्स थिंग आई एम द बेस्ट फादर माई मदर डाइड इवन ऑन द लास्ट डे दैट आई एम द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड माई फादर और स्पेंड्स चौबीस घंटे में से सोलह घंटा मेरे बेडरूम में बिताते हैं okay. हम लोग साथ में गाते हैं साथ में वो करते हैं मेरे इंस्टाग्राम में आप देखिए Uh, my डॉग्स थिंक आई एम द बेस्ट ओनर क्योंकि उनका टिक भी मैं निकाल के देता हूँ उनका मेरा सीजू का हेयर कट भी मैं करके देता हूँ हस्की का कान भी मैं साफ़ करके देता हूँ माई बर्ड्स मेरे बहुत बड़े एक मम्मी के नाम पर मैंने बर्ड पार्क बनाया वहाँ पे कुछ पंछी हैं मकाओ है अफ्रीकन ग्रे पैरट है जिनके साथ मेरी मम्मी बात करती थी हाँ मम्मी बात करती थी उनको सब हर हफ्ते हर हफ्ते उनमें से एक एक पंछी को ढूंढ के मेरे बेडरूम में मैं रखता हूँ एक हफ्ता वो रहता है उसको खूब खिलाता हूँ बात करता हूँ फिर उसको छोड़ देता हूँ दूसरी की पारी आते तो वो भी सोचता है कि हमारा जो वो है माई स्टाफ 24 साल 25 साल मेरे साथ काम कर रहा है कोई छोड़ के जाता नहीं है आई रियली डोंट केयर आई डोंट नीड वैलिडेशन फॉर एनी जो मुझे ठीक लगा है मैंने वो किया है और जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ दोनों मिनिस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उसमें आप बहुत काम कर सकते हैं देख रहे है धूप क्या है इसमें सोलर एनर्जी कितने बन सकते हैं हम लोग 900 स्कूल में सोलर वो लगा रहे हैं पचास कॉलेजेस में लगा रहे हैं एक सौ चार गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में लगा रहे हैं मैं चाहता हूं कि जल्द जल्द से जल्द वो काम हो जाए दीदी मुझे एक्सेसिबल है अब वहां पे तो आप भटकते रहोगे किससे आप बात करोगे यहां पे आप डायरेक्टली मैं चीफ मिनिस्टर को आप मैसेज कर सकते हैं कि दीदी ये करूँ या नहीं करूँ आपको जवाब मिल जाएगी जवाब मिल जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना है तो आई एम हैप्पी हेयर आई एम डूइंग माई वर्क जो जो चीज़ के लिए लोगों को हमें जवाब देना पड़ता है जहाँ पे मेरे पास जवाब होता है वहाँ मैं जवाब देता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि जवाब नहीं दे सकता हूँ मुझे इल्ज़ाम लेना है और मेरा सर झुक जाता है किसी चीज़ की वजह से देश में कोई घटना हो इधर कोई घटना हो वहाँ पे मैं छुप रहता हूँ मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ कोई जस्टिफाई नहीं करता हूँ हर चीज़ में मुझे पॉलिटिकल जवाब देना ऐसा ज़रूरी थोड़ी है पीपल शुड रियलाइज क्रियलाइज आई एम अ सिंगर आई एम इमोशनल पर्सन सो माई माई आंसर्स विल बी विल बी फ्रॉम अ ह्यूमन साइड हाँ आप जब पॉलिटिक्स में रहते हो तो थोड़ा बहुत आपको पार्टी का थोड़ा बहुत नहीं पार्टी का थोड़ा एक रूल मान के चलना पड़ता है जब बीजेपी में था सत्तर प्रतिशत लोग मेरे साथ थे क्योंकि इतना एंटी माइनॉरिटी था कि पत, मैं इतना दुबई में धाबी में कुत में बहरीन में ब्रूनाई में सलमान खान शाहरुख खान कितने शोज किया सब बंद हो गया था मेरा दुबई में नादिल शिवा रेस में शो हुआ था इतना बड़ी जगह में अल नाहन जो शेख है वो जब इंडिया आए थे तो किशोर कुमार के गाना मेरी आवाज से और रफी साहब के गाना सोनू निगम के आवाज़ से सुनना चाह रहे थे तो दिल्ली में अशोका होटल में अमर सिंह जी हमको लेके गए थे हम जब दुबई गए थे वो उनके पैलेस में मुझे लेके गए थे अबू धाबी में लेकिन वहां से सब शोज बंद हो गए सब बंद हो गए थे क्योंकि मैं वो दंगेबाज ये वो सब फलाना जीम का आने वाला था मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा बीजेपी में जो टाइम था वो खराब था बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं एक डिसीजन की वजह से मैंने छोड़ा बट उस वक्त मैंने पार्टी की लाइन जो है वो पकड़ के चली ना मैंने लेकिन उसके लिए मुझे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा अब देखिए मैं कुवैत जा रहा हूँ शो करने के लिए अभी इंडोनेशिया जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वहाँ पे शो करने आया हूँ जो कल ही टीवी में दिखाया है वो तो सब मैं शोज करके आ रहा तो पहले मेरा ऑडियंस जो है कभी सोचता हूँ तो सेवेंटी था तीस मेरे से दूर चले गए थे अब मेरा ऑडियंस हंड्रेड है सब लोग मेरे गाने सुनते एज अ सिंगर मैं बहुत खुश हूँ सुबह अच्छा काम करता हूँ मूड अच्छा रहता है रात को अच्छा गाना गाता हूँ रात को दो बजे तक गाना गाता हूँ प्रैक्टिस करता हूँ दो बजे तक आता हूं तो मन अच्छा रहता है सुबह काम अच्छा करता हूँ इट्स गुड साइकिल एंड आई एम एंजॉइंग इट पॉलिटिक्स में भाई एक्सीडेंट ही आए थे बिल्कुल एक्सीडेंट ही नहीं चैलेंज लेके आया था मुझे लगा था कि वो रामदेव जी के साथ जब बात हो रही थी उस क्षण में कुछ एक चैलेंज था वो कह रहे थे कि बंगाल में एक भी सीट जीत नहीं सकते थे तो मैंने मुझे लगा था कि उस क्षण में कुछ है झील के उस पार कुछ है तो मैंने चैलेंज ग्रहण किया और कहा कि मैं एक भी सीट अगर आप बंगाल में जीते तो वो मैं जीत के दूंगा लेकिन मैं अपने पॉकेट का एक पैसा खर्चा नहीं करूंगा एक पैसा नहीं खर्चा करूंगा पूरा बीजेपी को करना पड़ेगा खर्चा लेकिन मैं अपना वो बैलेंस शीट में ना एक ए, आपका एसेट साइड और लाइवलिटी साइड में ना एसेट साइड में एक गुडविल अकाउंट होता है इट इज इंटेंजिबल उसका कोई वैल्यू नहीं होता बट एक गुडविल अकाउंट लिखा रहता है इतना है तो दैट इज़ वॉट आई डू एंड आई डिड दैट और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया राजनाथ जी ने बोला कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा लेकिन उसमें भी मुसीबत हुई थी मैं श्रीरामपुर का लड़का हूँ डॉन मॉस को ले लुआ बैंडल में पढ़ा हूँ तो इट वॉज नेचुरल कि मैं श्रीरामपुर से लड़ूंगा बट ऐसा हुआ कि पापीदा लड़ रहे थे पापीदा की मिसेस जो मेरे एकदम फैमिली वाले हैं उनका फोन आया कि आ, देखो आसनसोल बहुत खतरनाक जगह है दूर भी है पापीदा को पैर में थोड़ी सी तकलीफ थी तो सिरमपुर से तो तुम लड़ोगी क्योंकि तुम्हारा होम टाउन है मैं कैसे कि वो छोड़ दो तुम तो इस बार पापीदा नहीं लड़ेंगे तुम लड़ लो सिरमपुर से दो ही सीट बाकी थी तो मुझे मन में ऐसा लगा कि मैं सेंचुरी करूंगा ये तो मैं कह चुका हूँ तो कोई बात नहीं बपीदा ने मुझे गाना दिया जिंदगी का पहला गाना उन्होंने दिया जिंदगी चार दिन की ऋषि कपूर के लिए तो मैं बोला दादा आप बैंडल से आप सिरमपुर से लड़ लो मैं अवे ग्राउंड से सेंचुरी करूंगा और करके दिखाया ना तो कुछ तो नियत में, में मेरी अच्छी होगी कि जो मैंने चाह वो हुआ सिंपल सी बात है पर उस टाइम काम बहुत ज्यादा और मतलब बहुत बिजी रहने लगे थे बाबू कुछ नहीं काम था एमओएस को कोई काम नहीं दिया जाता था जितने भी आंसर क्वेश्चन थे आप प्लीज रिकॉर्ड में है मैं 2018 में मैं रिजाइन कर दिया था आप डेट भी आपको पता चल जाएगा जिस दिन आ, हमारे राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में सारे ईस्टर्न एम को ब्रेकफास्ट करवाया था उसी दिन जो है मैं उधर से चल के गया मेरी बीवी और मम्मी को पूछा कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि आसनसोल में एक घटना घटी थी जिसमें मुझे राइट के लिए मुझे जमींदार ठहराया गया था मैं बिल्कुल घर से भी उस दिन नहीं निकला था ये अलग बात है बाद में इमाम साहब ने कहा था कि रात को मैं एक बजे उनको साइकिल में मीट करने के लिए आ रहा था उन्होंने मुझे रोक लिया कि बेटा मत करो मैं बोला नहीं मैं आपसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा कोई हाथ नहीं है तो वो मुझे बहुत दिल में बहुत लगा था तो मैं छोड़ ना था प्रधानमंत्री जी को वो लेटर दिया मैंने रेजिग्नेशन लेटर मेरे पास है उसका कॉपी उन्होंने फार के पॉकेट में रख दिया था तो जो कुछ नहीं काम था मैं कितने बार प्रधानमंत्री जी के घर पे जाके बोला कि एम ओएसओ के ये बॉम्बे में, में मेरा बहुत बड़ा घर है मैं खुश आदमी हूँ गाना गाता हूँ पैसे भी कमाता हूँ ये ऐसा बंगलों में रहना और कुछ भी काम नहीं है ऑफिस में जाके सिर्फ पार्लियामेंट का अनस्टार्ट क्वेश्चन है उसमें साइन करते रहो आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो कि ऐसा मुझे आई वॉज नॉट इन्जॉइंग आई वॉज नॉट इन्जॉइंग सो जब अर्बन डेवलपमेंट इसमें था ये हंड्रेड स्मार्ट सिटीज उसकी बात क्यों नहीं किया जाता है हंड्रेड स्मार्ट सिटीज की बात हमने सुना है पिछले पाँच साल में क्यों नहीं किया गया है बिकॉज वो उसका जो पद्धति था इम्प्लीमेंट करता वो रॉन्ग था और मैंने प्रधानमंत्री जी के घर पे जब उसका ये चल रहा था पीपीटी चल रहा था मैं बाहर से आया हूं तो थोड़ा बहुत बॉम्बे में सब चीज़ देखा हूं मैंने कहा कि ये इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा जो आपके ऑपोजिशंस है वो अपने स्टेट में इसे होने नहीं देंगे स्मार्ट सिटीज ये ठीक नहीं है ये गलत हो रहा है तो नहीं हुआ ना स्मार्ट सिटीज कहाँ है कुछ नहीं हुआ कुछ लोग कहाँ पैसा गया कौन से जगह में स्मार्ट सिटी है अब आदमी स्मार्ट है या सिटी स्मार्ट है वो लोग सोचे बट काम कुछ नहीं था वहां पे सिर्फ बड़े बड़े इतने पार्लियामेंट की इतने फाइल जाते थे और सब में साइन करते रहो साइन करते रहो एक थोड़ा पढ़ो और साइन करते रहो काम तो मैंने ढूंढ ढूंढ के किया कहाँ बाली में बालीघाट में सीढ़ी नहीं है सत्तर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है उसके लिए अलग से पैसा लेके उसका लिफ्ट बना दिया आसनसोल स्टेशन की क्या हालत थी वो देखिए वन ऑफ द बेस्ट स्टेशन इन द कंट्री हो गया आज से चार साल पहले उसके फोटोग्राफ्स में पेश कर चुका आज तो अलग अलग स्टेशन की छवि दी जाती है वो कब मैं बना दिया फर्स्ट पासपोर्ट ऑफिस फर्स्ट ये मैं भी तो अपोजिशन में ही था करके दिखाया ना अब देखते हैं जो अठारह लोग जीते हैं उसमें से कितना लोग अपने अपने सीट पकड़ के रख पाते हैं आपको डाउट है मुझे डाउट नहीं है अगर आपने काम किया है तो आपको आप सीट जीतेंगे लोगों को क्या फर्क पड़ता है लोग सब लोग पॉलिटिक्स थोड़ी ना करता है उनको देखना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने जितको जिताया वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है सिंपल सी बात है टू मी पॉलिटिक्स इज लाइक दैट अगर क्या लीडर आपको सपोर्ट कर रहे हैं बाकी तो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज होंगे वो तो कभी खत्म नहीं होगा वो तो होता रहेगा लेकिन हर चीज के साथ आप अपने आप को जोड़ ले और उसी को बहाना बना के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को नेग्लेक्ट करे ऐसा नहीं चलता है लोग काम देखता है उसी के बलबूते आपको जिताता है या हराता है मैं तो मेरे लिए सिंपल है मैं वोट कराना नहीं जानता हूं और कैसे एक जगह में जीतना होता है कैसे जीता जाता है जो बहुत होता है ना जैसे अमित शाह जी वोट कराना जानते हैं कैसे एक जगह जीता जाता है मुझे ये सब नहीं आता है मैं पॉलिटिक्स में एम्बिशियस नहीं हूँ मुझे उतना ज्यादा सोचता नहीं हूँ मेरा सिंपल है कि जगह में अगर मैंने काम किया तो बिना कैंपेन किए हुए भी मैं वो जगह जीत जाऊंगा आसनसोल में भी बोरा वही रवैया था इधर भी बालीगंज में भी वही रवैया है अगर काम करूंगा लोगों को वो दिखेगा तो मैं जीतूंगा नहीं कर पाऊंगा तो हार जाऊंगा सिंपल सी बात है क्या फर्क पड़ता है मुझे ऐसे भी पॉलिटिक्स में कोई एम्बिशन नहीं है कि बहुत बड़ा बनना है और ये बंगलों में रहना है और छत्तरपुर में बंगलो खरीदना है मैं अपने गाने से अच्छा खासा जिंदगी जी लेता हूँ अलग अलग शहरों में मेरा घर है और ठीक ठाक है चलिए देखिए नीति राजनीति भी सही तरीके से होती है तो उसमें साहित्य जरूर होता है अभी गाना गाने का टाइम आ गया <laughs> अच्छा वो एकदम मतलब पॉइंटेड है पीछे से उनको मालूम है कि इतनी देर बात हो गई है घड़ी देखकर अब गाने का टाइम आ गया बस दादा मैं तो आपको पहले ही बोल चाहू तो मैं बाय वन गेट वन फ्री हूं आपको गाने बिल्कुल सुनाऊंगा लेकिन जिंदगी में कुछ सीरियस चीजें होते हैं जिसमें लोगों के बीच में गलत फहमिया रहती है एक सेकेंड गलत फहमिया रहती है लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि मैं बीजेपी भी छोड़कर तृणमूल में आया हूँ तृणमूल कांग्रेस ने मुझे वो रेस्पेक्ट दिया वो मौका दिया कि मैं रिटायर्ड हर्ट नहीं हो काम करो मैं काम कर रहा हूं ना आप मेरा रोज रोज पॉलिटिकल चीजें सुनते हैं क्या बट वो मेरी जिंदगी एक सेकेंड रुक जाइए प्लीज रोज रोज मुझे ये सच्चाई बोलने का मुझे मौका नहीं मिलता है श्वेता जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है उम्र में मेरे से बहुत छोटे हैं हाँ लेकिन तो जानबूझ के बोलना पड़ता है ना जो भी आपका एज होगा दैट इज दैट इज एनिवर्सरी ऑफ योर ट्वेंटी फिफ्थ बर्थडे तो uh, ए, जैसे देखिए मेरे सामने बैठी है दीदी आपका एज फिफ्टी फिफ्टी या फोर्टी हो ही नहीं सकता है वट एवर योर एज इज इट इज दिफ्टींथ एनिवर्सरी ऑफ योर ट्वेंटी फिफ्थ बर्थडे मतलब लेडीज का ये बेरा बात नहीं है बिल क्लिंटन का है आप अपनी बीवी की उम्र जब थर्टी फाइव हो जाए अब अम्मा बोलिए कि ये थर्टी फिफ्थ आपका थर्टी फाइव एज हुआ ये लीजिए प्रेजेंट आप उनको बोलिए कि आपका ट्वेंटी फिफ्थ बर्थडे का टेंथ एनिवर्सरी का गिफ्ट आपको दे रहा हूं देखिए कितना खुश हो जाएंगे करके देखिए एक्सपेरिमेंट है घर करके देखिए तो ऐसे सीरियस बात करने का मौका नहीं मिलता है तो ये करना जरूरी था उसके बाद आप बुझे, बुझे, गाना मैं बिल्कुल नहीं, ये, आ, एक समय आपसे बात हुई थी आपने कहा कि उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं बार बार, बार बॉम्बे जाऊं रिकॉर्डिंग वो मतलब लाइफ एक ढर्रे पर चल रही थी एक गायक के तौर पर और उसके बाद नेचुरली आपने अपनी जिम्मेदारियों को बांट लिया पर आखिरकार पैशन तो यही है मैं तो बोला पैशन म्यूजिक है और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पॉलिटिक्स है एग्जैक्टली कि, कि, exactly, एग्जैक्टली exactly यही सवाल सवाल का जवाब तो अभिजीत दे के गए हैं इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं था कि लाइफ में इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए आज मैं बंगाल में बैठ के बॉम्बे में बाखू भी रिकॉर्डिंग करता हूं मैं यहां पे बैठ के जूम में बैठ के मैं चेकस्लोवा में वायलिन रिकॉर्ड करता हूं आराम से होता है आप बिल्कुल जूम में रहिए बड़ा स्क्रीन में वहां पे आपका स्टाफ नोटेशन भेजा गया है वहां चैम्बर ऑर्केस्ट्रा आपका बजा रहा है आप रिकॉर्ड कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसमें आप देखिए आप कान से सुनिए अच्छा हेडफोन में कि कैसा बजा रहा है आपको जो चेंजेस करना है आप करिए यही तो अभिजीत दब बोल रहे थे जो वो कंप्लेन कर रहे थे मैं बोल रहा हूँ वही तो फायदा है अब जैसे मैं लास्ट वीक में दो बार बॉम्बे गया था अभी खोया खोया चांद मेरा गाना रिलीज हुआ है दस दिन पहले अब तो सीढ़ी कैसेट तो नहीं बांट सकता था, नहीं तो 200 बांट दिया होता है यहां पे बट अभी तो नहीं बांट सकते तो आपको बोलना पड़ेगा प्लीज आपका मोबाइल दीजिए मैं यूट्यूब में लिंक ढूंढ के देता हूँ नहीं तो फिर वायरल करने के लिए उठ रील बनाना पड़ेगा मेरी बेटी मेरे पीछे पड़े हुए हैं अब ये धूप के बीच में कहाँ मैं रील बनाऊं बोलते छाव में जाओ और बोलो कि खोया खोया चांद रहता है आसमा के पास पांच रील बना के दो मैंने एक भी नहीं बनाया एक बनाया अभी इंस्टाग्राम में तीन दिन पहले कितना बेवकूफ जैसा है देखिए बॉम्बे के होटल के छत छत में खड़े होकर मैं इसे दिखा रहा हूँ खोया खोया चांद रहता है एक छोटा सा चांद दूर में दिख रही है बल, बोला कि वो वो रील जो है वायरल होगा उन्हें तो वायरल फीवर तो मुझे तीन चार बार हो चुका है ये गाना भी हो जाए वायरल तो यू नो यही तो अभिजीतक जो कंप्लेन कर रहे थे मैं बोल रहा हूँ वही तो टेक्नोलॉजी है उसे यूज करिए मैं तो कर रहा हूँ मैं बॉम्बे में बैठ के यहां पे बैठ के डबिंग कर रहा हूँ और वो बॉम्बे में रिकॉर्ड हो रहा है बॉम्बे में रिकॉर्ड हो रहा है अगर म्यूजिक डायरेक्टर पांच प्रीतम जो है साथ में बीस फिल्में कर रहे हैं आज के यंगस्टर्स हमको जो गाने जिस मेरी बेटी जब मुझे डबिंग कराती है कई बार मेरे डबिंग में मेरी बेटी को बोला लेता हूँ ऐसे उठपटंग जगह बोलता है ना कि डैडी इसको तो ऐसे करिए तो मुझे लगता है वो बढ़त है आज की लड़की है वो टेलर स्विफ्ट के गाना सुन रहे है वो एडेल का सुन रहे है वो जूलिया माइकल्स का सुन रहे हैं वो अलग अलग चीजें सुन रहे है जो हमारे टाइम पर जब हम सीख रहे थे वो सब हमने किया ही नहीं है लेकिन वो शीज पुशिंग में हो सकता है कि प्रीतम उतना हमको पुष्ट ना करे मेरी बेटी बोल रही है नहीं उनके साथ जो और भी डबिंग के लिए जो रहते हैं उनके साथ जो रहता है तो मैं उसको बोला ले तो आज अब तू मेरे को डबिंग करा ऐसे ऐसे जगह बोल देते जो मेरे दिमाग में शायद आएगा ही नहीं मैं अपने हिसाब से लूंगा लेकिन वो उसके हिसाब से करा रहे हैं विच इज कंटेम्प्रेरी आज के जमाने के लोगों को वो अच्छा लगेगा और आप अभिजीत की आवाज़ सुन रहे थे ना कितना खूबसूरत लग रहा था वैसे एक्सपीरियंस के साथ आपकी आवाज और अच्छी बन जाती है असरदार बन जाती है तो हम बिल्कुल कोई यस्टर के सिंगर नहीं है नहीं आपको लगता है कि जो गाना आपका पहला गाना रहा वो अगर आप आज गाते हैं तो आज हम तुम गाऊंगा तो आ, मतलब क्या बोलो आज मैं कहना प्यरा है गाऊंगा तो कुछ और ही आ जाएगा आज मैं परी परी है एक परी गाऊंगा तो कुछ और ही गाऊंगा सोचता हूँ उसका दिल गाऊंगा तो कुछ और ही आएगा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस उस वक्त मैंने जिंदगी में पांच हजार घंटा प्रैक्टिस किया होगा आज कहना पैराटी नाइनटी एट के ट्वेंटी सेवेंथ डिसंबर को मैंने गाया था तो उसका पेपर एक्चुअली अभी मुझे मिला है वो डायरी मिला है उसलिए डेट याद है तो वो कितना साल हो गया पच्चीस साल हो गया हाँ. तो पच्चीस साल में मैंने और दस घंटा रियाज कर चुका हूं तो उस टाइम पे मेरा पांच घंटे की रियाज थी अभी तीस घंटे की होगी तो मैं बेटर नहीं गाऊंगा ये तो साइंस है एज लॉन्ग एज ए की मैं मैं सांस ठीक से ले पा रहा हूँ मैं कल रात को पौने दो घंटा फुटबॉल खेला अगर मैं कर सकता हूं तो आई एम बेटर सिंगर एट टूडे एंड आई थिंक आई हैव अ सेकंड इनिंग्स इन बॉलीवुड और मैं वो करके दिखाऊंगा आप देखिएगा प्लेबैक बिल्कुल करके दिखाऊंगा ऐसा मेरी आवाज कोई खराब नहीं हो गई है ठीक है कोई खराब नहीं हुआ है कुछ ऐसा नहीं हुआ है अभी गाने जो बन रहे हैं अरिजीत सिंह ऐसा सिंगर है कि हर म्यूजिक डायरेक्टर जिस टाइप का गाने देते हैं ही कैन फुलफिल दैट डिमांड हंड्रेड परसेंट टू हंड्रेड परसेंट जो म्यूजिक डायरेक्टर सोचता भी नहीं है वो भी अरिजीत सिंह करके दिखा सकता है तो जगह ही नहीं है देर इज नो स्पेस मैं खुद म्यूजिक डायरेक्टर अगर बनूंगा ना तो उसमें से चार गाना अरिजीत को गवाऊंगा और एक गाना डुएट अगर होगा तो मैं अपने लिए रहूंगा बिकॉज आई रिस्पेक्ट दैट टैलेंट मैं कंप्लेन नहीं करूंगा कि देखो भाई मेरे लिए कोई गाना नहीं है अरे भाई जिंदगी आगे जा रही है यू हैव टू फाइंड न्यू वे टू सक्सेस हो सकता है मेरे बहुत सारे फिल्मों में मैंने एक्टिंग की है काफी लोगों ने देखा है ओटी का बहुत सारे ऑफर्स मेरे साथ आ रहा है हो सकता है कल मैं कोई ओटीटी फिल्म कर भी रहा हूं यू नेवर नो तो उसमें कोई गाना हो मैं गाऊ मेक योर ओन स्पेस पर पर की।, की बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है बी पॉजिटिव और अगर कल आपका खराब है तो ऑलवेज गेट गेटअप एन रिमेम्बर कल खराब है कोई बात नहीं है एक परसों भी तो आएगी तो नेगेटिव होके गाली गलच करके भले वो पॉलिटिक्स हो या म्यूजिक हो या लाइफ हो कोई फायदा नहीं है इज नो क्वेश्चन मेरी बीवी के साथ कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग कर लिया जब वो गलती करती है वही मुझे माफ कर देती है कोई टेंशन ही नहीं है गलती वो करती है लेकिन माफ भी वही मुझे कर देती है मुझे नहीं करना पड़ता है तो बड़ा घर पे भी बहुत शांति है अच्छी बात पर 25 साल पहले वाला वो गाना जो आप कह रहे हैं कि मैं अलग गाऊंगा आज आ, गा के सुनो। गा के ये खोया खोया चांद आप लोग अगर प्लीज हाथ जोड़ के बोलता हूँ गुण अगर उसको वायरल कर देंगे आप तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे एक कोई वायरल तो हो जो अच्छा हो तो आ, उसका वीडियो दिखा रहे आप हाँ गाना यूट्यूब में हाँ। उपलब्ध है हाँ। आप जरा उसे सुनिए और जिनको रील बनाना है आप जरूर रील बनाइए मैं आपको जो है पर्सनली उसमें थैंक करता रहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद तो एक्सपीरियंस एक एक सिर्फ गलत हो गया ये अभी उम्र जो है ना मेरा फिफ्टी हो गया तो इसलिए क्या है जो भी वीडियो में मुझे ऐसा वीडियो करना पड़ता है ना सब में मुझे अभी मैं प्रेजेंटेंस में रोमांस नहीं कर सकता मतलब कोई की कोई मॉडल हो और उनके साथ मैं पेड़ के चारों तरफ घूम रहा हूँ उसका हाथ पकड़ रहा हूँ हीरोज करते हैं वो 25 साल के लड़कियों के साथ 61 के 58 के 58 हीरोज करते हैं वो एक्सेप्टेड है लेकिन मैं अगर करूंगा ना देखने में भी खराब लगता है तो जो भी मेरा रोमांटिक गाना हो रहा है उसके वीडियो बन रहे सब मुझे ऐसा ना उदास रहना पड़ता है कि बचपन में ये प्यार मेरा था देखो दिया मिर्जा है ना वो उस वक्त बाईस तीस साल की होगी मिस इंडिया पच्चीस तो उदास रहना पड़ता है कि हा ये मेरा प्यार था उस जमाने में अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं मैं प्रेजेंटेंस में प्यार नहीं कर सकता हूं तो मुझे पुराना दिखा लेकिन कई बार ये उदासी में ना पिक्चर बड़े अच्छे आते हैं आपको चांद दिखा सकते हैं फूल दिखा सकते हैं धुआं दिखा सकते हैं दुख का मेलन के लिए स्टैब्लिश करने के लिए ये एक बड़ा बहुत बड़ा चेंज आ गया प्लेबैक सिंगर में भी हम लोखंड में गाते थे हीरो स्विट्जरलैंड में शूटिंग करता था और यहाँ पे भी जो अभी वीडियोज थोड़ा बनने लगे हैं पहले बहुत मोटा था तो एक रमेश सब बोलते थे कि तुमको वीडियो में नहीं डालेंगे तो गाना खराब हो जाएगा देखने में खराब हो जाएगा तो अभी डाल रहे हैं मुझे लेकिन पुराने जमाने का प्यार कॉलेज का प्यार अब प्रेजेंटेंस में कुछ नहीं कर सकता हूं मैं उसका थोड़ा सा दुख है बट बट ठीक है वैसे मैंने कहा कि पांच पांच साल का हिस्से में बांट लीजिए जिंदगी को वैसे आगे चलते रहिए वैसे भूख बहुत लगी है भूख लगी है भूख लगी है नहीं कोई बात नहीं आप दो तीन सवाल और कर लीजिए गाना वाना है तो गा नहीं, नहीं, लेंगे तो, तो होंगे नहीं नहीं आपने तो अभी अपना अभी वाला गाना गाया ना मैं तो आपसे पूछ रही थी कि 25 साल के बाद ये 25 साल पहले मैं गाया था ये दोबारा पच्चीस साल के बाद रिलीज किया गया है और वो जिस गाने से आप सबके दिलों में लॉन्च हुए थे लॉन्च काफी बड़ा था उसमें सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना के हूँ पे आया है दिल का फसाना सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना के हूं पे आया है दिल का फसाना अरे दिल ने हे, हे हे दिल को पुकारा हो 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 लो मैं आया मिलने दोबारा मंसिल हे प्यार तुम्हारा ओह हो, हो मैं हूँ सागर तुम हो किनारा दिल वालो दिल मेरा सुनने को बेकरार है कहो ना प्यार है तुमसे प्यार है कहो ना प्यार है तुमसे प्यार है या अगर मैं प्यारी बीस बीस साल नहीं टू थाउजेंड फाइव में गया था सुर आ रहे। गलत सुर है हाँ शत्रु जी आ गए क्या <laughs> नहीं वो खामोश बोल रहे होंगे क्योंकि उनका टाइम शायद हो गया उस, उसका सुर आ रहा होगा हाँ सांसों को सांसों में ढलने दो जरा धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम हम तुम तुम हम तुम सांसों को सांसों मिढलने दो जरा या बंगला में गाँव क्या आप मुझे पच्चीस साल गाँव क्या गाँव ना हाँ ठीक है नहीं आप लोग पैसा मत देना मैं ऐसे ही गा रहा हूँ वो तो पीछे एक तो रखा है बस मत दीजिएगा हाँ आ, क्या बोल रहा हूँ कौन सा गाना भूल गया हाँ हालो हालो रोंग चौम का लो चाँद धोए जाए चेना शोना मुक जाना शोना हाँ चुमे जाए आजो आजे गोपन फेरारी मुन बेजगा चे को खुन शेरे लीफ़ून बाबूल को भूख बहुत लग रही है लेकिन आ, क्या होता है ना कि मन लालची भी होता जाता है थोड़ा सा तो मैं आपके गाने से अंत करने के लिए आपको नहीं कहूंगी अच्छा मैं उनके गाने से आपको अंत करने के लिए बोलूंगी जिनकी झलक भी लोग कहते रहे कि आपकी आवाज में दिखती है जो आपके भी आइडल रहे बिल्कुल आ, मेरे दादाजी के पास जो बैठ के मैं गाना सीखा चार साल की उम्र से उनके साथ मेरा अर्जुन और द्रोणाचार्य का संपर्क था क्योंकि उनके सामने बैठ के मैं सीखा लेकिन किशोर कुमार साहब को जो मैंने सुना है जो सीखा है उनसे बहुत छोटा था मैं इंडस्ट्री में उनके बहुत सारे शोज देखा डैडी लेके जाते थे बट उनसे उनके जो गाना मैं सिखाया ना उनके साथ मेरा एकलव्य और द्रोणाचार्य का संपर्क था मैंने सामने बैठ के मैंने नहीं सुना दूर से सुना उनको लेकिन कभी उन्होंने मुझे अंगूठा मेरे से नहीं मांगा हालांकि जब भी मैंने किशोर कुमार का गाना गाया तो मुझे थम्स अप मिला है अंगूठा अप मिला है तो आ, बिल्कुल उनके लिए ताली बजा दो यार कितना अच्छा डायलॉग मारा मेरी सोच देखो सर बताइए सर बताइए थोड़ा सा हाँ? नहीं मुझे ऐसा लगा कहीं वो द्रोणाचार्य की कहानी को सोच कहानी हाँ, हाँ, वो महाभारत तो आप लोग को दिख रहा है चारों तरफ रामायण भी दिख रहा है मंदिर भी बन गई है तो आपको कहानी सुनाई आप देगी दर्शन बहुं के लिए सारे जिनके बाल कम है सारे लोग एक साथ क्यों जा रहे हैं देखिए जितने भी बाल कम है ना हेयर स्टाइल सेम है वही लोग बाहर जा रहे हैं आप देखो पीछे मुड़ के देखो हाँ एनीवेज ये गाना हमको जिंदगी में बहुत काम आता है दो छोटा छोटा हिस्सा में गाऊंगा एक <clears throat> रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों से चल के मिलेंगे साये बाहर के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों से मिलके मिलेंगे साये बाहर के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, ओ राही।, ओ राही, ओ राही।, ओ राही ओ राही एक है और दूसरा जो आम जिंदगी में बहुत जरूरत पड़ती है वो है आ, न, 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 कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीतना जाए रहना कुछ तो लोग कहेंगे हमको जो ताने देते हैं हम खोए हैं उन रंग रलियों में हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में ये सच गए झूठी बात नहीं तुम बोलो ये सच है ना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का का अब इतने ताना बाना सब कुछ चल रहा है कि सारे ऑपोजिशन लीडर्स सारे ऑपोजिशन की टीम में जितने भी लोग हैं सब चोर हैं सब जेल में हैं सब बंद है सबके ऊपर ईडी रेड हो रहा है सबके रेड ये रे हो रहा है सब कुछ हो रहा है लेकिन देखिए बीजेपी की हालत अब अली बाबा कौन है क्या है उस चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा अब नाम है अली बाबा और चालीस चोर तो उसको तो मैं बदल नहीं सकता हूँ वो अरब रजनी का चीज है मैं वो क्या करूँ अरबियन नाइट्स का है लेकिन अभी तो चालीस तो छोड़िए इकतालीस बयालीस चोर हो गया और रोज नया नया चोर बड़े बड़े स्कैम वाले जो है जो आदर्श नेता नहीं है अन इंटेंडेड वो भी रोज रोज बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन वॉशिंग मशीन है अच्छी कंपनी की वॉशिंग मशीन है तो लोग उसे खरीद रहे हैं अब मैं क्या कहूँ वही तो इसलिए मैं बोला कि हमको जो ताने देते हैं खोए हैं रंग रलियों में उनको भी देखिए छुप छुप के आते देखा है इन गलियों में आप देखिए लगता है कि ये एक पॉलिटिकल डिबेट पार्ट टू की शुरुआत आपने यहाँ से कर दी नहीं, है। नहीं तो नहीं नहीं, डिबेट नहीं बस। साहित्य आज तक के मंच से इतना ही लेकिन उस पॉलिटिकल डिबेट के साथ आगे आपसे फिर मुलाकात होगी बिल्कुल होगी ये रहा आज तक सुनते रहिए कल तक बहुत बहुत धन्यवाद